क्या करोगे अगर तुम्हें पता चला कि यहाँ तुम्हारी ये आखिरी रात है? जो दुनिया को नामुमकिन लगे। पता है ये शहर कौन चलाता है? हम इतने अमीर और ताकतवर हो गए कि तुम सोच भी नहीं सकते। अरे आसपास ही रहते हैं। फरिश्ता था न प्लान ना कोई उम्मीद। उन्हें खुफिया जगह का पता चल गया है। हो सकता है कि ये मैं आखिरी बार तुमसे बात कर रहा हूं। खुद ने दिया उन्हें। मैं आर्मी को अंदर भेज रहा हूं। अब या तो वो जीतेंगे या फिर मरेंगे। लेकिन जीतते बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के लिए साल 2023 काफी अच्छा साबित हुआ है और उनकी तीन बड़ी फिल्में ब्लॉकबस्टर रही हैं और इन तीनों ही फिल्मों ने 2000 करोड़ से ज्यादा का कमाई की है। आपको बता दें कि क्यों वो बॉलीवुड इंडस्ट्री के सबसे बड़े सुपरस्टार है। शाहरुख खान की फिल्म पठान, जवान और टंकी को फैंस ने काफी ज्यादा पसंद किया है, लेकिन अब उनके फैंस के लिए एक बुरी खबर सामने आई है। जी हां दोस्तों, शाहरुख खान की सबसे ज्यादा पसंदीदा फिल्म डॉन की अपकमिंग सीक्वल में शाहरुख खान को रिप्लेस कर दिया जाएगा। बता दें कि 70 के दशक में रिलीज हुई अमिताभ बच्चन की फिल्म डॉन भारतीय सिनेमा इंडस्ट्री में धमाल मचा के रख दिया था और जिसके बाद 2006 में डॉन के सेकंड पार्ट को बनाया गया था शाहरुख खान के साथ और इस मूवी के जरिए शाहरुख खान ने सभी लोगों का दिल जीत लिया था। तो वहीं फैंस का मानना था कि डॉन 3 के तीसरे पार्ट में शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन दोनों एक साथ नजर आने वाले हैं, लेकिन डॉन फ्रेंचाइजी के डायरेक्टर फरहान अख्तर ने कास्टिंग को लेकर फैंस का दिल तोड़ दिया। रिपोर्ट की माने तो इस बार डॉन 3 में बॉलीवुड के यंग एक्टर रणवीर सिंह की एंट्री देखने को मिल सकती है। जी हां दोस्तों, रणवीर सिंह शाहरुख खान को रिप्लेस कर चुके हैं और ये बहुत ही जल्द फिल्म को लेकर एक बड़ी अनाउंसमेंट होने वाली है। बीते दिनों फिल्म का एक अनाउंसमेंट टीजर भी देखने को मिला था जिसमें रणवीर सिंह एकदम यूनिक और डॉन के जबरदस्त अवतार में देखने को मिले थे। रिपोर्ट्स की माने तो उनके इस लुक को देखकर सभी लोग इस मूवी के लिए और भी ज्यादा एक्साइटेड नजर आ रहे हैं, लेकिन इस बात में कोई भी शक नहीं है कि साल 2010 के बाद न्यू एक्ट्रेस में रणवीर सिंह का नाम सबसे टॉप पर है और वो इस रोल के लिए एक अच्छी चॉइस है। बात करें मूवी के स्टार कास्ट की तो दोस्तों फिल्म में रणवीर सिंह के साथ फीमेल लीड रोल में नजर आने वाली है प्रियंका चोपड़ा और उनके अलावा अर्जुन रामपाल। साथ ही सुनने को ये भी मिला है कि डॉन मूवी के तीसरे पार्ट में हमें शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन का एक स्पेशल कैमियो देखने को मिल सकता है। इसी के साथ बात करें मूवी की रिलीज डेट की तो ये मूवी हम सभी को 2025 में देखने को मिल सकती है। फैंस इस मूवी के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड नजर आ रहे हैं और ऐसे में देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि रणवीर सिंह डॉन 3 में शाहरुख खान को रिप्लेस कर पाते हैं या फिर नहीं।